राजधानी जयपुर का मुहाना इलाका एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी के लिए विख्यात है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। वजह है यहां की जर्जर सड़कें। पेश है एक रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी मुहाना है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कब मौत से सामना हो जाए कहा नहीं जा सकता। दरअसल डिग्गी मालपुरा रोड से मुहाना तक 4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सड़क का नामो निशान ही नहीं बचा है। पग पग पर बड़े गड्ढे हैं। बारिश के मौसम ने इन सड़कों पर कोड़ में खाज का काम भी कर दिया है। यहाँ रोज वाहन फंस रहे हैं और हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। आइए नजर डालते हैं, ये ट्रोला देखिए, जर्जर होकर करीब करीब लैंडस्केप और गहरे गड्ढों में तब्दील। यह सड़क देखिए और ये देखिए इस वाहन के साथ शरीर के कलपुर्ज हिला देने वाली इस सड़क का शिकार यह ट्रोला। अब इधर देखिए इस 108 एम्बुलेंस को। इस वाहन को देश में प्राथमिकता से मार्ग देकर निकाला जाता है ताकि मरीज को इमरजेंसी चिकित्सा मिल सके, लेकिन लैंडस्केप और गहरे गड्ढों में बदली इस सड़क पर लंबा जाम लगने के चलते 108 एम्बुलेंस जैसी सेवा भी मरीजों के लिए बेमानी लगती है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 3 महीनों में यहाँ 70 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, लेकिन JDA प्रशासन बेपरवाह है। जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि JDA ने 1 महीने पहले ही इस सड़क का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन सड़क अभी 1 मीटर भी नहीं बन सकी है। आए दिन हो रहे हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने पिछले दिनों सड़क के बीच चेतावनी के बैनर भी लगा दिए थे। व्यंग्यात्मक विरोध के रूप में स्थानीय लोग सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को प्राथमिक उपचार के किट भी बांट चुके हैं ताकि हादसे के बाद घायलों की मरहम पट्टी की जा सके। इस सड़क का मुद्दा अभी हाल ही समाप्त हुए विधानसभा सत्र में भी जमकर गूंजा है। हालांकि मुहाना के पास बसी कॉलोनियों के लिए इस 10 मीटर चौड़ी सड़क के नवीनीकरण के लिए 2 फेज में 6 करोड़ का टेंडर जारी किया जा चुका है। सड़क 2 साल पहले टूटी थी, लेकिन इसकी फाइल 2 साल से अटकी हुई है। हाल ही में 8 जून को काम शुरू हुआ, बाद में अटक गया। JDA अधिकारियों का तर्क है कि उद्घाटन के बाद से बारिश जारी है, इसलिए निर्माण में परेशानी हो रही।